जी, ये पूरी तरीके से आनंद जी एक इमोशनल कार्ड है जिसके जरिए लोगों को धार्मिक आधार पर बांटकर, जैसा कि गोविंद जी भी बता रहे थे कि अब जो जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वह मुस्लिम आबादी की इजाफा काफी है, ये तो ऐसी स्थिति में किसको फायदा होगा और हिंदू इन सब चीजों से मतदाताओं को, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। फायदा तो फैलाने नहीं कह सकते, आप जो बात कह रहे हैं वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपने मेरी बात कही है रविंद्र सिंह जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ कि जहां पे अभी चुनाव होने जा रहा है आप कह रहे हैं एक वर्ग विशेष की पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर हम ऐसी बात करेंगे तो जी हमें पूरी बात कर लीजिए, मैं आपकी बात को खामोशी सुनता हूँ, कृपया मेरी बात सुन लीजिए तब अपनी बात कहिए। मैंने आपके एक बार भी एक शब्द नहीं बोला है, कृपया अभी बोले नहीं, पहले हमारी बात सुन लीजिए। जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां पर धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की बात हो रही है, और मेरा मानना यह है कि चाहे इसमें मुसलमान वोटर हो या हिंदू वोटर हो, लोगों के ऊपर इस चीज का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी इस बात से इत्तफाक नहीं करेगा कि इतने बड़े लोगों की मीटिंग में नीच शब्द कहने या अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है, या पाकिस्तान हमारे साथ हस्तक्षेप करके गुजरात चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये शायद हिंदू मतदाता भी नहीं समझेगा और मुस्लिम मतदाता भी इस पर गौर नहीं करेगा। अब बात ये अलग है कि किस तरीके से उसको कितना वो करके ये लोग कर सके, कितना भाजपा के प्रचार में कितना लोगों को आकर्षित किया जा सके, ये तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, और जो भी है लोग समझते हैं, लेकिन मोदी जी वहां के रहे हैं और मोदी जी बात कहेंगे तो शायद कुछ न कुछ असर इसका हिंदू मतदाता पर पड़ सकता है।